Hello everyone, my name is Sadhna and in this lecture I am going to talk about balance of payment. तो पहले जानते हैं balance of payment होता क्या है. Balance of payment एक systematic record होता है जिसमें एक country के सारे transaction outside world के साथ recorded होती हैं, चाहे वो transaction goods में हो, services में हो या assets में हो. Formally ये एक account होता है जिसमें वॉट एवर वी अर्न एंड वॉट एवर वी स्पेंट इज़ रिकॉर्डेड. ये थ्री डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, पी ओ पी अकाउंट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट. पहले बात करते हैं करंट अकाउंट की. इन इकोनॉमिक्स करंट मीन्स शॉर्ट टर्म, वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो एक साल के टाइम इंटरवल में कम्प्लीट हो चुके हैं वो करंट अकाउंट में आते हैं. और इसमें आते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इनविजिबल्स एंड नेट ट्रांसफ़र. नेट एक्सपोर्ट्स जो कि विजिबल ट्रेड भी बोला जाता है जिसे, वो ओनली गुड्स का है. एंड नेट इनविजिबल्स में सर्विसेज और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आते हैं. नेट सर्विसेज में फॉर एग्जांपल वो सारी सर्विसेज जो इंडिया बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करती है, लाइक आईटी सर्विसेज. और आईटी सर्विसेज के लिए लास्ट टू डिकेट्स में इंडिया इज़ ग्लोबली नोन फॉर इट. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में वो हुआ वॉट एवर कंपनसेशंस एम्प्लॉय गेट्स, लाइक वेजेस, सैलरीज, वॉट एवर अ इंडियन रेसिडेंट अर्न्स इन द फॉरेन टेरिटरी, दैट कम्स अंडर दिस. एंड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम में प्रॉफिट्स आते हैं, लाइक इफ अ इंडियन कंपनी अगर दूसरे देश में जाकर कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो आता है नेट इन्वेस्टमेंट इनकम में. नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, दीज टूज आर पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब बात करते हैं नेट ट्रांसफ़र की. नेट ट्रांसफ़र ये एक वन साइडेड ट्रांसफ़र भी कंसिडर कर सकते हैं. इसमें दो टाइप होते हैं, ऑफिशियल ट्रांसफ़र एंड प्राइवेट ट्रांसफ़र. ऑफिशियल ट्रांसफ़र जिसमें गवर्नमेंट एसोसिएटेड होती है, लाइक इफ अ इंडियन गवर्नमेंट रिसीविंग ग्रांट्स फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज, ग्रांट्स, एड, ये सब कुछ आते हैं इसके अंदर. नेट प्राइवेट ट्रांसफ़र में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती. फॉर एग्जांपल एनआरआई ट्रांसफर्स, एनआरआईज जो पैसे अब इंडियन हाउसहोल्ड्स में ट्रांसफ़र करते हैं, दैट कम्स अंडर नेट प्राइवेट ट्रांसफ़र. वेयर एवर आई एम यूजिंग नेट, फॉर एग्जांपल नेट एक्सपोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब ये हुआ वॉट एवर वी आर एक्सपोर्टिंग माइनस वॉट एवर वी आर इम्पोर्टिंग. जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो एंड जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से नेट आता है, नेट वैल्यू. तो दैट इज़ यूजिंग, दैट वॉट आई एम यूजिंग हियर. अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की. कैपिटल अकाउंट मोस्टली डील्स विथ लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स. करंट अकाउंट था जो वन साल में जितने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको कंसिडर करता है, बट कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन दैट इज मोर देन वन ईयर. एंड इट मोस्टली डील्स विथ और कंसिस्ट विथ लॉन्ग लोन्स और ग्रांट्स. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट. नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस ये इसको एक टाइप ऑफ एक्सटर्नल ऑफिशियल लोन बोल सकते हैं. ऑफिशियल मीन्स गवर्नमेंट. वो लोन जो दूसरे किसी गवर्नमेंट या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया हो, लाइक वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लिया गया हो, दैट कम्स अंडर नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट. और अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट की. तो इसमें आता है व्हेन एवर अ लोन रीचेस इट्स लास्ट ईयर ऑफ मेच्योरिटी, इट्स कम अंडर शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट. जब कोई लोन अपने मेच्योरिटी पीरियड के लास्ट टर्म में आता है तो वो शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट के अंदर आता है. और इफ अ कंट्री डजंट पे दिस पार्ट तो वो कंट्री फिर नेक्स्ट लोन के लिए एलिजिबल नहीं होगी. तो दिस पार्ट हैव्स टू बी पेड इन द करंट ईयर इट्सेल्फ. नाउ टॉकिंग अबाउट नेट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड ECB. और कॉमर्शियल लोन्स जो कि एक इंडियन कंपनी फॉरेन बैंक से बोरो करती है और लेती है, वो आते हैं नेट कॉमर्शियल बोरिंग्स में. ये पॉपुलर क्यों है? बिकॉज डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री में इंटरेस्ट रेट का काफ़ी डिफरेंस होता है.
इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री, अगर यहाँ की कोई कंपनी डेवलप कंट्री लाइक यूएसए रशिया में जाकर लोन लेती है तो वहाँ पे उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे करना होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर. नाउ नेट बैंकिंग कैपिटल. नेट बैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल नो वॉट इज़ बैंकिंग कैपिटल. इफ़ अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री हैविंग लॉन्ग टर्म बैंक डिपॉजिट्स इन अदर कंट्री, अगर किसी कंट्री का रेसिडेंट दूसरे कंट्री में जाकर बैंक डिपॉजिट्स रखता है वो भी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो होता है बैंकिंग कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल NRI डिपॉजिट्स इन इंडियन बैंक्स. और NRIs यहाँ क्यों पैसे डिपॉजिट्स करते हैं? बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट गिवन टू दीज डिपॉजिट्स. यहाँ इंडिया में इंटरेस्ट हाई होती हैं सेविंग डिपॉजिट्स पे. दैट इज़ वाई NRI डिपॉजिट्स देयर मनी हियर. नाउ टॉकिंग अबाउट नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज FDI एंड नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI. तो अब बात करते हैं FDI क्या होता है. एक फॉरेन कंपनी जो कि दूसरे कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करती है इन सम स्पेसिफिक इकोनॉमिक सेक्टर, मतलब कि इफ अ स्टील कंपनी कम्स इन उड़ीसा और वो एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड इन्वेस्टमेंट करती है बिकॉज उड़ीसा में स्टील अवेलेबल होती हैं, तो वो वहाँ इन्वेस्ट करती है एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक सेक्टर में और वो एक लार्ज स्केल पे होता है. दैट इज़ कॉल्ड FDI. नाउ टॉकिंग अबाउट FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. अगर कोई फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स अ बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी, तो अगर कोई फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन इंडिया में इन्वेस्ट करती है. पोर्टफोलियो का मतलब होता है कंबिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा. अगर कोई फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में आकर यहाँ के फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है उसे बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल एसेट्स विच गिव्स इंटरेस्ट इन रिटर्न्स. बॉन्ड्स एक फाइनेंशियल एसेट होता है जो कि रिटर्न में इंटरेस्ट भी मिल जिस पर इंटरेस्ट मिलता हो. और शेयर्स होता है कि इफ़ यू आर बाइंग अ शेयर मीन्स यू आर गेटिंग पार्शियल ओनरशिप इन दैट. यहाँ पे आपको शेयर्स में ओनरशिप मिलती है रिटर्न में. अब कुछ बेनिफिट्स जानते हैं FDI के. FDI ना GDP ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है. वो कैसे? इफ़ अ कंपनी कम्स एंड इन्वेस्ट इन योर कंट्री इन इकोनॉमिक सेक्टर तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा और ये GDP लेवल को इंक्रीज करेगा, तो ये GDP ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है. प्लस जॉब क्रिएशन तो होती ही है. समथिंग विच कंट्रीब्यूट टू GDP, इट ऑल्सो गिव प्रोडक्टिव जॉब्स. प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है. प्लस इसका नेचर भी लॉन्ग टर्म का होता है. वेयर एज FPI ऑल्सो क्रिएट्स जॉब्स बट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल. प्लस ये GDP ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करती है. अगर वो फंड्स प्रोवाइड कर रही है इकोनॉमिक में बॉन्ड्स या शेयर्स परचेस करके, तो ये GDP ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है. बट क्रिटिसिज्म क्या होते हैं FPI के? इनका नेचर बहुत शॉर्ट होता है. मोस्ट ऑफ FPIs दे इन्वॉल्व इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स एंड शेयर्स के रिटर्न्स वेरी करते रहते हैं टाइमली. ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, मतलब कि सडन इनफ्लो सडन आउटफ्लो होता रहता है इनका. सो ये इनको इन कंपैरिजन टू FDI लेस प्रॉफिटेबल कंसिडर किया जाता है. अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट की. रिमेंबर ने बात की थी क्या कि BOP तीन अकाउंट से मिलकर बना होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट. तो हमने करंट एंड कैपिटल की बात कर ली है, अब हम इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट की बात करते हैं. तो इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व. फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इसके टर्म में इसको सेव रखा जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट. ये एक बैलेंसिंग अकाउंट होता है BOP का.
if a BOP surplus will a BOP surplus will increase international reserve and a BOP deficit will decrease international reserve. अगर बी ओ पी सरप्लस हो तो इंटरनेशनल रिजर्व इंक्रीज करते हैं. बी ओ पी सरप्लस मीन्स यू आर गेटिंग मोर फॉरेन करेंसी इन योर कंट्री, तो वहाँ पे सरप्लस हुआ. नाउ टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी एसेट्स और हार्ड करेंसी जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल होती हैं वो क्या क्या है, डॉलर, यूरो, पौंड, एन, ये सब कुछ होती हैं फॉरेन करेंसी असेट्स जो कि एक कंपोजिशन होती है इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट की. और इन सब को यानी कि इन हार्ड करेंसीज को आरबीआई मैनेज करती है. दूसरा होता है गोल्ड, जिसको मोस्ट स्टेबल एसेट भी कहा जा सकता है क्योंकि करेंसी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन कर सकती है बट गोल्ड इज अ स्टेबल एसेट. नाउ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और SDR, इट इज़ द करेंसी यूज बाई IMF. ये IMF के द्वारा यूज़ किया जाता है. इसकी वैल्यूएशन फाइव कंट्रीज करेंसीज की एवरेज निकाल कर होती हैं और वो फाइव करेंसीज हैं डॉलर, यूरो, पौंड, एन और युआन. युआन चाइनीज करेंसी है जो कि लेटेस्ट ऐड हुई है. तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है, ये करेंसी है जो IMF यूज़ करती है फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स दैट इज़ लोन. और इसकी वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन होती है, फाइव करेंसीज की एवरेज लेकर, डॉलर, यूरो, पौंड, एन और चाइनीज़ युआन. और युआन को रेनमिनबी भी बोलते हैं जो कि एक ट्रेडिशनल नेम है. अब बात करते हैं रिजर्व ट्रांस पोजिशन विथ IMF. ये क्या होता है, ये एक IMF कोटा का पार्ट होता है जो कि IMF मेंबर कंट्री कभी भी विड्रॉन कर सकती है. IMF कोटा क्या है, द डिपॉजिट विच IMF मेंबर हैज़ टू कीप विद IMF. IMF मेंबर्स को एक डिपॉजिट रखना होता है IMF के साथ, ये सो दैट इज़ कॉल्ड IMF कोटा. और रिजर्व ट्रांसपोजिशन विद IMF क्या है, ये एक पार्ट है IMF कोटा का जो कि IMF मेंबर कंट्री कभी भी विड्रॉन कर सकती है. तो इसका यूज़ क्या है, टू कीप इंटरनेशनल रिजर्व रिलेटिवली स्टेबल रिजर्व ट्रांसपोजिशन इज यूज्ड. सो ये सारे टर्म्स थे जो कि BOP अकाउंट को मिलाकर बन जिनको मिलाकर BOP अकाउंट बनता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन.